और सीधे रुक करेंगे सीएम अशोक गहलोत का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो, देखते हैं क्या कुछ करें। कोई कारण नहीं है कि आप पार्लियामेंट मेंबर को, मैं भी पांच बार रहा हूँ पार्लियामेंट के अंदर, कि आप उनको माइक बंद कर दो, आप उनको माफी मांगो नारे लगा रहा विपक्ष की बजाय सत्ता पक्ष, और डिस्टर्ब कर रहा उसको कौन, सत्ता पक्ष, ये भी अनहोनी थी। फिर उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे हाउस के अंदर, एक कायदा होता है, नियम होता है कि अगर आपके आरोप लगा है तो वापस जवाब देने का आपको टाइम मिलेगा। उसके लिए राहुल गांधी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर साहब पर गए वो, उन्होंने परवाह नहीं करी क्योंकि वो दबाव में है। सारी संस्था जो दबाव में है देश के अंदर, इनकम टैक्स ईडी सीबीआई का तो तांडव है देश के अंदर, गुजराती सब जगह जहाँ उनको इशारा होता है, जहाँ चुनाव होते पहले ईडी पहुँचती फिर पहुँचते मोदी जी और अमित शाह जी, तो ये जो चल रहा है, फिर जुडिशरी पे जो दबाव है, चुनाव आयोग पे दबाव है, उसी प्रकार से लोकसभा स्पीकर दबाव रखता है, वो तुम्हारे राजस्थान के ही हैं। हमें दुख हुआ कि राजस्थान का मेंबर पार्लियामेंट, ये कोई मौका मिला लोकसभा स्पीकर बनने का, स्पीकर बनने के बाद में वो निष्पक्ष होके व्यवहार करे लोकसभा के अंदर, इसकी बजाय अगर आप बोलने नहीं दिया उनको, और फिर आप देख ही लिया कि जिस प्रकार ये केस चल रहा था 4 साल पहले का, उसको आपने हाईकोर्ट रोक लगवाई, और हाईकोर्ट की रोक के बाद में हाईकोर्ट रोक खुलवाई जब आपको शूट किया, और फिर 1 महीने के अंदर फैसला हो गया। तो राहुल गांधी ने ये कहा है कि मैं कोई हाउस में रहूं या नहीं रहूं, मैं कोई घबराने वाला नहीं हूं, मैं देश की आवाज बन के अपनी बात कहता रहूंगा। लोकतंत्र में और क्या, आप तो सब मीडिया वाले हैं, आप भी चौथे स्तंभ के लोग हैं, तो चाहे मीडिया के लोग हो चाहे पॉलिटिशियन हो, आप लोग भी नौकरी या इंडस्ट्री लगा सकते थे, आप क्यों आए मीडिया के अंदर, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम पब्लिक की आवाज़ को पब्लिक तक पहुँचाएँ, सामाजिक सरोकार निभाएं। हम लोग भी सामाजिक सरोकार निभा रहे हैं राजनीति में रह करके, पर आज पत्रकार, लेखक और साहित्यकार जेलों में जा रहे हैं बिना कोई कारण के, देशद्रोह बन जाते हैं मुकदमे। एक पत्रकार केरला का आ रहा था, यूपी के अंदर एक केस हो गया था, लड़की को रात को 2:30 बजे बिना उसके परिवार के दाह संस्कार कर दिया, बंद जेल के अंदर, 1.5 साल बाद छूटा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये जो तमाशे हो रहे देश के अंदर, ये मुल्क किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। संविधान की धज्जा उड़ रही है, लोकतंत्र बचका रहा है, देखिए आप क्या हो रहा है। तो चिंता लगी हम सबको, और हमारी चिंता हमें नहीं, पूरे देश को चिंता होनी चाहिए, देशवासियों को भी, हर नागरिक को चिंता होनी चाहिए कि सही कौन है गलत कौन है। राहुल जी की यहाँ पुलिस घुस गई दिल्ली की, ऐसी मजाक तो मैंने मेरी जिंदगी में देखी कभी, कि वो यात्रा करे मान लीजिए और अपना अनुभव शेयर करे पब्लिक को, कि भाई मुझे, मैं गया तो वहाँ पे ये हालात थे, महिलाएं मिली उनके भी दुख थे कि मैंने, हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है या कहीं रेप की घटना हुई, कुछ भी हो गया। तो एक व्यक्ति अगर 3,500 किलोमीटर चले और वो अगर शेयर कर रहा अपने अनुभव को, तो पब्लिक इंटरफेयर कर रहा है। उसके लिए दिल्ली पुलिस चली गई, अब केस दर्ज कर दिया, अब बताइए वो महिला कौन थी। तो मैं कल, मैंने पूछा एक इंटरव्यू में, मैंने कहा अमित शाह जी को, आपने कहा जब मैं यहाँ पर गुजरात से बाहर उनको रखा गया था, तब सीबीआई वालों ने उनको कहा आप नाम मोदी जी के ले लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा अमित शाह जी से, क्या दिल्ली पुलिस आपके घर आएगी, आपको नोटिस देगी कि भाई वो ऑफिसर कौन था जिसने आपको कहा, ये तो बहुत बड़ा आरोप हो गया अधिकारी पर, जिसने कहा मोदी जी का नाम लीजिए आप छोड़ देंगे, तो दिल्ली पुलिस को केस दर्ज करना चाहिए अमित शाह के खिलाफ में, नोटिस देना चाहिए, और जवाब नहीं उनके घर जाकर पूछताछ करनी चाहिए। देश के कानून सबके लिए समान है, तभी तो लोकतंत्र रहेगा। अगर ये बातें हम देखें
आप सोच सकते हो कि जो अहम घमंड चल रहा है मोदी जी का, अमित शाह जी का, वो देश देख रहा है, और ये देश का जो आम नागरिक है, मतदाता, वो अनपढ़ हो सकता है, कम पढ़ा लिखा हो सकता है, पर उसकी जो अक्ल होशियारी है, रॉबस्ट कॉमन सेंस, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दुनिया के मुल्कों के मुकाबले भी हम पीछे नहीं हैं। वो कब पलटा मार दे पता नहीं लगेगा लोगों को, ये घमंड नहीं करना चाहिए किसी को, आप इस प्रकार से घबरा जाओ राहुल गांधी से, क्योंकि पहले करोड़ों रुपये खर्च किए गए सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी इमेज को ध्वस्त करने के लिए, काफ़ी हद तक आप कामयाब हो गए थे। अब जब यात्रा के बाद आपकी पोल खुली तो आप घबरा गए, पता नहीं अब क्या होगा। ये तमाम बातें हैं, ये बहुत गंभीर बातें हैं, और उससे हम लोग सब चिंतित हैं, मेन बात है। बाकी तो प्रोग्राम तो चला रहा कांग्रेस, राहुल गांधी जी के इस, क्योंकि इंदिरा जी के वक्त में भी, इंदिरा जी भी चिकमंगलूर से जीत के आई थी, उनके साथ में ऐसे व्यवहार किया गया, हाउस में निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया उनको, पूरे देश उठ खड़ा हुआ, वक्त आने पर जवाब दिया, और पूरे देश में भारी बम, पुनः प्रधानमंत्री बनी वो। तो ये मेरे ख्याल में मोदी जी उस वक्त तो मैं समझता हूँ राजनीति में नहीं होंगे, पर ये उनको समझना चाहिए कि किस प्रकार से हालात थे उस वक्त। हम लोग तो देखा खुद ने, हम तो जेल गए थे, जब उनको जेल भेजा था तो हम सब जेल गए थे, तो मालूम है कि क्या मतलब किस प्रकार से। अब मैं पूछना चाहूँगा वो चाहते क्या है, वो चाहते क्या है, क्योंकि मेरी समझ के परे है कि आर के लोगों अरेस्ट कर लिया, जो महाराष्ट्र से आ रहे थे, भरूच से आ रहे थे, बड़ौदा से आ रहे थे। आप बताइए, अगर कोई गैदरिंग होकर हिंसा करती है तो आपका अधिकार बनता है कि आप पुलिस हस्तक्षेप करें। अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपनी भावनाओं को, तो उसके अंदर क्यों तकलीफ होती है? अगर कोई आदमी अपनी भावना व्यक्त करते हैं, डेमोक्रेसी में और क्या करेंगे? ये तो आज़ादी के पहले का जो सत्याग्रह का नाम कहता है, सत्य के लिए आग्रह। आज कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है सब जगह, तो सत्य के लिए आग्रह कर रही है, किससे कर रही है? जो आज सत्ता में उनसे। इससे गांधी जी का जो शब्द था सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, उससे बड़ी ध्वनि क्या निकल सकती है नॉन वायलेंस की, भावना की, हम सत्य, हम हमारे हमारे पक्ष में सत्य है, हम मानते हैं हमारे पक्ष में हमारे पास सत्य है, हमारे आपके साथ सत्य नहीं है, हमारे पास सत्य है, उनको हम उनके लिए आग्रह आपसे कर रहे हैं, आप समझो बात को। और उसको लेके आप जो है अरेस्ट कर रहे हो लोगों को, थाने में बैठा रहे हो, गाड़ी सीज कर रहे हो, ये जो तरीका है मैं समझता हूँ कि ये लोग इसको लाइक नहीं करेंगे, और ये लोकतंत्र विरोधी तरीके हैं, और अभी तक इनको समझ में आने नहीं, क्योंकि इनका विश्वास भी डेमोक्रेसी में नहीं है। ये लोग डेमोक्रेसी का मुखौटा पहन के आ गए हैं सत्ता में, परंतु ये फासिस्टी प्रवृत्ति के लोग हैं, और इसीलिए वही तरीका है देश के अंदर जो जो वादे किए थे मोदी जी ने 14 के अंदर, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात भी करी थी, काला धन लेके आएंगे, लोकपाल के लिए तो अन्ना हजारे साहब को बैठा दिए, इन्हीं लोगों ने बैठाया उनको, और वो काला धन कहाँ आया है कहीं पर, और काला धन के लिए आवाज उठाई राहुल गांधी, राहुल गांधी ने क्या आवाज उठाई थी कि भाई मेहुल चौकसी हो चाहे मेहुल मोदी हो या नरेंद्र मोदी हो, ये जितने काला धन लेके बैठे बाहर लेके चले गए उनका आप क्या कर रहे हो, तो उसको जोड़ दिया ओबीसी जोड़ दिया। ये इतने इतने डरे हुए लोग हैं, राहुल गांधी ने यात्रा में डरो मत, उनको मालूम था कि डरे हुए लोग डरते हैं, ये इनका डर है ये, अगर डरते नहीं तो इनको तकलीफ क्या थी, कह दिया तो पॉलिटिक्स में तो वाजपेयी के वक्त में, अडवाणी साहब के वक्त में, उस वक्त बड़े बड़े नेता होते थे, कई कमेंट करते थे हम लोगों पे, तो कोई गया क्या डिफेमिनिकेट करने के लिए? आपने भेज दिया यहाँ के लोकल मोदी को, केस करवा दिया ये डिफेमेशन का, और जो कुछ हुआ आपके सामने है। ओबीसी का हमें ओबीसी की बेइज्जती कर दी, अरे हम लोग ओबीसी के बैठे हुए आपके सामने हैं, बघेल साहब ओबीसी के हैं, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के,
मैं ओबीसी का हूँ, तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ और मेरी जाति का एक एमएलए है राजस्थान में, एक, और वो मैं खुद ही हूँ। इससे बड़ा क्या प्रूव हो सकता है कि एक ओबीसी का एक एमएलए मैं खुद ही हूँ और मुख्यमंत्री बन रहा हूँ बार बार, और बनाने वाले कौन थे? सोनिया गांधी, राहुल गांधी। तो क्या मतलब ओबीसी खिलाफ होते तो एक आदमी को बनाते, एक जाति वाले को बनाते क्या? इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा बता दे राहुल गांधी के लिए और सोनिया गांधी जी के लिए? अब उसको आप ओबीसी कह के इनका प्लान बना पूरा इनके ऑफिस के अंदर नड्डा साहब के नेतृत्व में, 6 अप्रैल से पता नहीं वो आगे बढ़ेगा क्या होगा, 6 अप्रैल पूरे देश भर के अंदर ओबीसी की बेइज्जती हो गई, ओबीसी की बेइज्जती हो गई। और ये रिहर्सल किया मोदी जी ने पहले 17 के अंदर, मुझे नीच कह दिया, किसी ने नीच नहीं कहा उनको, हमारी पार्टी का संस्कार ही नहीं है कि इस प्रकार शब्द काम ले रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, राष्ट्रपति पद की गरिमा होती है, हम समझते हैं उन गरिमाओं को। एक नेता ने कह दिया नीच प्रवृत्ति की तरह काम करते हैं, तो घुमा फिरा के मुझे नीच कह दिया, मुझे नीच कह दिया, भाइयों गुजरात वासियों मैं ओबीसी का हूँ, मुझे नीच कह दिया और चुनाव जीत गए। वो जो उस वक्त रिहर्सल था, अब देखा वो मामला ठीक था, जम गया हमारा मामला, हम हारते हारते जीत गए। 17 के अंदर हारे थे, मिशन 150 था अमित शाह साहब को, आपको याद होगा कि सूरत में हम साफ हो गए थे, इसलिए आपको ज़्यादा याद होगा, सूरतवासियों को हम हार गए थे अचानक ही। तो उस वक्त में ये 99 पे आ गए थे, तो इसलिए उन्होंने देखा अब वापस चलाएंगे ओबीसी का कार्ड तो हो सकता है कि ये इश्यू हमारे खिलाफ नहीं बनेगा। निष्कासित किया गया अविलंब इनको पार्लियामेंट से, फैसला क्या है मालूम है कि हिस्ट्री के अंदर कभी 2 साल ऐसा किसी को ही नहीं है, पहले किसा जहाँ इस सेक्शन के अंतर्गत सजा हो गई 2 साल, आप सोच सकते हैं बात। तो ये जो आज तमाशा हो रहा है यहाँ पर जो अरेस्ट कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है, हम आए खाली एक एकजुटता दिखाने के लिए, डेमोक्रेसी और क्या होता है, बल्कि उससे सत्ता पक्ष को फीडबैक लेना चाहिए कि भाई ये जो जनता उतर रही मैदान में है इनकी भावना क्या है, ये कहते हुए सच्चाई है क्या, और सच्चाई है तो हमें अपना आपको अमेंड करना चाहिए। गांधी जी ने तो इस सिद्धांत को लेके देश को आज़ाद करवा दिया बिना खून खराबे के, कि सत्य के लिए आग्रह करते करते अंग्रेजों को भागना पड़ा अल्टीमेटली, कि भाई बात तो ठीक है, मॉरल अथॉरिटी इनके साथ इतनी ज़्यादा हो गई है, पब्लिक इनके साथ हो गई है, करो या मरो, अंग्रेज भारत छोड़ो, और छोड़ना पड़ा। तो ये हमारा सत्याग्रह है, उससे इनको तकलीफ क्या हो रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये बात राहुल गांधी एक बात बार बार बोल रहा है कि मैं सावरकर नहीं हूँ, माफी नहीं मांगूंगा, क्या वो जेल में जाना चाहते हैं और क्या ये सही रहेगा? ये हमारी जो लीगल एक्सपर्ट टीम होती है ना, वो और राहुल जी वो आपस में बात करते हैं, उससे मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता कि वो क्या चाहते हैं। एक्सपर्ट टीम है अलग आई है आ रही होगी, वो राहुल जी के बीच में बात हुई होगी, मैं उसमें जयपुर से आया हूँ अभी। सर हम देख रहे हैं कि तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम महासचिव, महाराष्ट्र के भी तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं, क्या मैसेज आप लोग देना चाहते हैं, क्योंकि जब न्यायिक प्रक्रिया चल रही तो मैसेज क्या है पार्टी का? मैसेज ये है कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं कि जो कुछ देश में हो रहा है देश को बचाने के लिए, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी अपने पर, खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित कैसे कर रहे हैं, और राहुल गांधी का पिता, उनके पिताजी राजीव गांधी शहीद हो गए, उनकी दादी शहीद हो गई, उनके पोते को उनके बेटे को आप जिस रूप में ट्रीट कर रहे हो ये देश देख रहा है। इलाहाबाद मैं आनंद भवन स्वराज भवन दे दिया देश को मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के जमाने के अंदर, उसे मकान खाली करने का तरीका देखिया, तो ये तरीके जो है ये सब कुछ बता देते हैं कि देश में क्या हो रहा है, ये हम बताने आए हैं और ये एक मैसेज है। हमारी तरफ से कोई तरह की आप देखते हो कि हिंसा हुई है क्या? ईडी के ऊपर सवाल उठाया, जेडीयू के ऊपर सवाल उठाया,
आज जो हियरिंग होने वाली है, क्या आपको ट्रस्ट लग रहा है कुछ पॉजिटिव होगा या कुछ नेगेटिव होगा? देखिए, हमें हमेशा न्याय, सॉरी, हमेशा हमें न्यायपालिका पर विश्वास है और होना भी चाहिए। देश में लोकतंत्र जिंदा तभी रहेगा, संविधान तभी बचेगा जब हम सब लोग हैं विश्वास करें न्यायपालिका पर। पूरा विश्वास हमारा है, आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा उनको। आज अभी देखते हैं कि क्या वहाँ पर जब जाएंगे देखते हैं, पर हमें विश्वास जुडिशी पर है और मुझे नहीं, सभी को विश्वास जुडिशी पर होना चाहिए। सर, आने वाले दिनों में जो घटनाक्रम हो रहा है, इसका इफेक्ट पॉलिटिकली क्या इफेक्ट आपको लगता है, कर्नाटक हो या अन्य कोई राज्य में जो इलेक्शन होंगे? देखिए, राहुल जी ने हमें सिखाया है, आप अपना मिशन जो है उसको आप आगे बढ़ाते रहो। ये चुनाव से हम जोड़ेंगे तो फिर मिशन की जो सेंसिटिव कम हो जाए। ये चुनाव चलते रहेंगे, हार जीत तो आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री किसने बनाया है? कांग्रेस की विचारधारा ने बनाया उनको, ये नहीं भूलना चाहिए मोदी जी को। कांग्रेस की विचारधारा जो है वो विचारधारा जो गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल साहब और मौलाना अबू कलाम आजाद के जमाने में जो अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, संविधान सभा में, उसके कारण से आज 70 साल के बाद भी पाकिस्तान में बार बार सैनिकों का शासन हुआ, बंदूकों का राज हुआ, प्राइम मिनिस्टर को, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को भी फांसी लग गई। यहाँ 70 साल राज किया कांग्रेस ने, 65 साल राज किया, तो आज अपनी जान दे दी पर देश टूटने नहीं दिया, एक रहा, अखंड रहा देश, लोकतंत्र कायम रहा। इंदिरा गांधी चुनाव हारी सत्ता सौंपती मुरारी भाई देसाई को, ऐसे कई किस्से हो गए। तो यही तरीका होता है, हम तो उसकी रक्षा करना चाहते हैं। भाजपा ने कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस तुरंत एक नाटक कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। वो घबराए हुए हैं, बुखलाए हुए हैं, बुखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, इसलिए आप उनकी उनकी बातों को अब लोग धीरे धीरे सीरियस ले नहीं रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।